एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों और दोस्तों, दो दिन के बाद 5 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, मतदान करने जाना है। मतदान करने के लिए जाना, वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। वोट देने के लिए जाना तो ये सोच के जाना कि अरविंद केजरीवाल और पवन फौजी ने आपसे वादा किया है, अच्छे स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाएंगे, जैसे दिल्ली में बनवाया, पंजाब में बनवाया। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का बिजली का बिल जरूर देख के जाना। हजारों रुपए का बिजली का बिल आपको देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है, पुराने बकाया बिल माफ करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जैसे पंजाब और दिल्ली के अंदर मिलती है। हमने वादा किया है, ये पवन फौजी, ये कारगिल के योद्धा को हमने खड़ा किया चुनाव के मैदान में। क्यों खड़ा किया? क्योंकि आप हरियाणा के गांव गांव में नौजवानों के बीच, माताओं बहनों के बीच, बुजुर्गों के बीच एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और खट्टर ने, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने अग्निवीर योजना लाके भारत की सेना को ठेके पर रखने का काम किया है, सैनिकों का अपमान किया है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा के गांव गांव में जाइए, वीरों की धरती है हरियाणा, बहादुरों की धरती है हरियाणा। हरियाणा के गांव गांव में जाइए, गांव के बाहर किसी न किसी शहीद का बोर्ड लगा रहता है, गेट बना होता है, उस गेट पे किसी मेजर का, किसी कैप्टन का, किसी हवलदार का, किसी सूबेदार का, किसी जवान का नाम लिखा होता है। हरियाणा के लोग फक्र से कहते हैं, हमारा ये बेटा चीन के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा ये बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा ये बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ। आज भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम जिस बीजेपी ने किया है, इस चुनाव के अंदर उसकी जमानतें जब्त कराने का काम आपको करना है। और बिल्कुल ठीक कहा पवन फौजी ने, आपने अब तक सबकी अकल ठीक करने के लिए वोट दिया, इसको ठीक करना उसको वोट दे दो, उसको ठीक करना उसको वोट दे दो। इस बार केजरीवाल का संदेश आपके लिए लेके आया हूं, इस बार अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, किसानों का भविष्य ठीक करना है, माताओं बहनों का भविष्य ठीक करना है, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है, तो पवन फौजी की झाड़ू की बटन दबा देना। और ये झाड़ू बहुत काम की चीज होती है मेरे दोस्तों। घर की सफाई करनी हो तो झाड़ू काम आती है, गांव की सफाई करनी हो तो झाड़ू काम आती है, शहर की सफाई करनी हो तो झाड़ू काम आती है, हरियाणा की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू काम आती है। और किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या काम आती है, क्या काम आती है? तो बीजेपी वालों के दिमाग में, जेजेपी वालों के दिमाग में, कांग्रेस वालों के दिमाग में सत्ता का जो भूत सवार है, नशा सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारने का काम आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर।